हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको माइक्रेम के थ्रेड से एक बहुत ही ब्यूटीफुल से मिरर का वीडियो लेके आया हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है दो कलर की माइक्रेम कॉर्ड, मस्टर्ड येलो कलर एंड पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे चूज किया है। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर के बीड्स और ग्रीन कलर के बेल्ट का यूज किया है। और हमें यहाँ पे चाहिए 2 4 नंबर की रिंग, 1 हमें 9 नंबर की रिंग चाहिए और 9 नंबर का हमें यहाँ पे मिरर चाहिए। और एज यूजल हमें लाइटर और सीजर की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, यही मटेरियल पे माइक्रेम का मिरर वॉल हैंगिंग डिजाइन बनाने के लिए चाहिए। अगर आपको ये मिरर का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही ब्यूटीफुल से माइक्रेम मिरर वॉल हैंगिंग डिजाइन को बनाना। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे हमारी 4 नंबर की रिंग को सेफ्टी पिन के साथ यहाँ पे सिक्योर कर दिया है। अब हम इसके ऊपर कॉर्ड यहाँ पे अटैच करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है हमारी मस्टर्ड येलो कलर की कॉर्ड। इसका मेजरमेंट यहाँ पे 4 मीटर रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉर्ड्स को हम ऊपर की तरफ से ले लेंगे और लूप के अंदर से कॉर्ड को इस तरीके से निकाल लेंगे, जिससे कि यहाँ पे हमारी जो कॉर्ड रहेगी वो इस तरीके से यहाँ पे अटैच हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है सेकंड कॉर्ड। इसका मेजरमेंट भी 4 मीटर रहेगा और एज इट इज यहाँ पे कॉर्ड को हमने अटैच कर लेना है, जैसे कि हमने फर्स्ट कॉर्ड को यहाँ पे अटैच किया था इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने थर्ड कॉर्ड जो है मैंने पर्पल कलर का लिया है। मेजरमेंट यहाँ पे सभी कॉर्ड का इक्वल रहता है, 4 मीटर की कॉर्ड है। और इसको भी हम ऊपर की तरफ से लेंगे और लूप के अंदर से निकाल करके कॉर्ड को इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है फोर्थ कॉर्ड। इसका मेजरमेंट भी बिल्कुल सेम रहेगा, 4 मीटर, और इसी तरीके से कॉर्ड को यहाँ पे मैंने अटैच कर लेना है। सो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर इसके आगे 4 यहाँ पे पर्पल कलर की कॉर्ड और 2 यहाँ पे येलो कलर की कॉर्ड अटैच करके जो है टोटल 10 कॉर्ड को इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टोटल यहाँ पे 10 कॉर्ड अटैच कर दिए हैं। 4 यहाँ पे मस्टर्ड येलो कलर की कॉर्ड और 6 यहाँ पे मैंने पर्पल कलर की कॉर्ड अटैच किए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो है कॉर्ड के अंदर इस तरीके से बीड्स को डाल देंगे और बीड्स को डालने के बाद यहाँ पे हम लोग सिंपल नॉट जो है लगाएंगे। इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कॉर्ड जो है ले लिया है। अब सेम एज इट इज नेक्स्ट कॉर्ड के अंदर भी मैंने यहाँ पे बीड्स को फंसा लिया है और बीट्स को फंसाने के बाद यहाँ पे हम फिर से जो है एक सिंपल नॉट जो है इस तरीके से लगा लेंगे। इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉर्ड है। नेक्स्ट कॉर्ड के अंदर भी हमने एज इट इज यहाँ पर एक जो है ग्रीन बीट्स को फंसा लिया है। ग्रीन बीट्स को फंसाने के बाद यहाँ पे हम लोग सिंपल नॉट जो है लगा लेंगे। इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, आगे की जो हमारी 2 कॉर्ड बाकी हैं उसके अंदर भी हम एज इट इज यहां पे बीड्स डाल करके नॉट लगा के कंप्लीट कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मैंने बीड्स डाल के नॉट लगाया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 3 बीड्स बीच में डाले हैं, अब हमें यहां पर वर्क करना है। सो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम 2 नॉट के बीच में सबसे पहले 1 नॉट लगाएंगे। इस तरीके से। और एकदम टाइट तरीके से ये जो हम लोग यहाँ पे नॉट लगाएंगे, ये हमें एकदम से टाइट तरीके से नॉट लगा के इस तरीके से करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी अगली जो है 2 कॉर्ड है, यानी कि 2 बीड्स है, अब इसके बीच में हम लोग एक यहाँ पे सिंपल नॉट लगाएंगे। इस तरीके से एकदम टाइट तरीके से यहां पर हम नॉट लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी 2 नॉट है, अब इसके बीच में हम लोग यहां पर 1 नॉट जो है लगा देंगे, जिससे कि यहां पे एक ट्रायंगल शेप का डिजाइन बन करके यहां पे हमारा आएगा। इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मैंने जो है ट्रायंगल शेप का डिजाइन बनाने के बाद इस तरीके से एक डिजाइन बनाया है इस तरफ में। तो ये जो डिजाइन मैंने बनाया है, अब हमें इस तरफ में बनाना है। इसके मैंने हाफ कॉर्ड में डिवाइड किया था, हाफ इस तरफ कॉर्ड आ गए थे, हाफ इस तरफ। सब हम इस तरफ से बनाएंगे। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जो हमारी मस्टर्ड येलो कलर की पहली कॉर्ड रहेगी, यानी कि ये जो नॉट लगाने वाली पहली कॉर्ड है, इसको हमें ले लेना है। और इसके ऊपर यहाँ पे अब हम लोग ये सारी की सारी जो पर्पल कलर की हमारी कॉर्ड रहेंगी, इन सभी कॉर्ड को हम इस
सो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फर्स्ट कॉर्ड यहाँ पे पाइपिंग किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पर्पल कलर की कॉर्ड है इसको हम इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पे ये जो दो येलो कलर की कॉर्ड है इनको अब हम लोग इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे इस तरीके से। टाइट तरीके से पाइपिंग करना है बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, ये पाइपिंग करने के बाद ये लास्ट में जो येलो कलर की कॉर्ड है इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग इस तरीके से पर्पल कलर की कॉर्ड्स को पाइपिंग कर लेंगे। और ये जो पाइपिंग रहेगी ये टाइट तरीके से करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये पाइपिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम ये सारी की सारी जो फोर कॉर्ड हमने भी पाइपिंग किया है इन सभी को इकट्ठा करके यहाँ पे हम लोग एक जो है सिंपल नॉट लगा देंगे। इस तरीके से जिससे कि यहाँ पे ये जो है बराबर की शेप में आ जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सेंटर में से फोर कॉर्ड को ले लेंगे, और यहाँ पे फोर कॉर्ड को लेने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सिंपल नॉट्स लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग फोर टाइम्स जो है सिंपल नॉट्स को लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फोर टाइम्स मैंने सिंपल नॉट लगाया है। अब मिडिल वाली दोनों कॉर्ड को हम लोग ऊपर की तरफ से इसको नीचे की तरफ निकालेंगे ये इस तरीके से। ये जो गैप है इसके अंदर से हम लोगों को दोनों कॉर्ड को जो है यहाँ पे निकाल लेना है इस तरीके से। जिससे कि यहाँ पे ये इस तरीके का डिजाइन बन करके आ जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम लोग यहाँ पर एक सिंपल नॉट जो है लगा देंगे जिससे कि ये जो डिजाइन रहेगा वो हमारा यहां पर सिक्योर हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ में भी हमें ये सेम एज इट इज
इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाने के बाद ये इस तरीके का डिजाइन यहाँ पे बनाया है, जैसा ऊपर में बनाया था वैसे नीचे बना लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन को हम इस तरफ बनाएंगे, तो जो फर्स्ट की हमारी दो कॉर्ड रहेंगी उसको हम लोगों को इसी तरीके से एज इट इज छोड़ देना है, जैसे मैंने इस तरफ किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट की दो कॉर्ड ले लेंगे और दो कॉर्ड को लेने के बाद उसको हम लोग यहाँ पर जो है इस तरीके से डिजाइन बना लेंगे। सबसे पहले एक बार कॉर्ड को हम लोग अंदर की तरफ से निकालते हैं, एक बार हम कॉर्ड को बाहर की तरफ से निकाल लेंगे। एक बार कॉर्ड को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से अंदर से निकालेंगे और एक बार कॉर्ड को हम लोग बाहर की तरफ से जो है इस तरीके से निकाल लेंगे। और ऐसा हम लोगों को यहाँ पर जो है 10 times करना है, जिससे कि यहाँ पर ये जो एक लूप बनेगा वो हम लोगों को यहाँ पर जो है 5 times आना चाहिए। इसीलिए हम लोग 5 बार अंदर से और 5 बार बाहर से निकालेंगे, जिससे कि यहाँ पे ये जो लूप है हमारा 5 times बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है 5 times बना लेंगे, जैसे मैंने इस तरीके से बनाया है। सो देखिए 1, 2, 3, 4 and 5, ये देखिए दोनों तरफ मैंने 5 5 बना लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पहली कॉर्ड रहेगी हमारी येल्लो कलर की, पहली कॉर्ड आपको ले लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर यहाँ पे हमें पहली दो कॉर्ड जो रहेगी उसको हम लोग एज इट इज यहाँ पे पाइप करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ में हमारा जो डिजाइन है वो जाना चाहिए, इसीलिए हम लोग इनको कॉर्ड का सीक्वेंस जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ में रखेंगे, जिससे कि हमारी कॉर्ड जो है वो नीचे की तरफ में आ जाए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग ये जो है हमारा ये जो हमने 10 times डिजाइन बनाया था इसको हम लोग यहाँ पर जो है इस तरीके से पाइपिंग कर देंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पे एकदम से इक्वल दोनों बनके हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो ये लास्ट की हमारी कॉर्ड रहेगी, यहाँ पे हमने एक अलग से डिजाइन बनाया हुआ है, तो हम लोग ये जो डिजाइन है ये यहाँ पर बनाएंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, एक कॉर्ड को हम लोग दूसरी कॉर्ड के ऊपर इस तरीके से पाइपिंग कर लेंगे, फिर दूसरी कॉर्ड को हम फर्स्ट कॉर्ड के ऊपर जो है पाइपिंग करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आपको ये टाइट तरीके से करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 16 times बनाया है। अब इसी को हम लोग यहाँ पर जो है ये जो फर्स्ट कॉर्ड है इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से, और इसको देखिए यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, जिससे कि दोनों हमारे यहाँ पे ये इक्वल लगे। अब देखिए फ्रेंड्स, पहली कॉर्ड का काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। अब हम यहाँ पे ये जो हमारी दो कॉर्ड रहेंगी इनको हम पर्पल कलर की कॉर्ड के ऊपर रखेंगे और इसको हम लोग जो है इस तरीके से पर्पल कलर की कॉर्ड के ऊपर ये जो येलो कॉर्ड है हमारी दो कॉर्ड को इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से पाइपिंग कर देंगे, सेकंड कॉर्ड और थर्ड कॉर्ड इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट की हम लोग दो पर्पल कलर की एक पर्पल कॉर्ड लेंगे, उसके ऊपर दोनों येलो कलर की कॉर्ड को इस तरीके से पाइपिंग कर देंगे, और काफी टाइट तरीके से पाइप करना है आपको इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, एज इट इज यहां पर हम बाकी के तीनों कॉर्ड के ऊपर भी इसी तरीके से इसको जो है पाइप करके कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों मैंने पाइपिंग कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक लास्ट की हमारी येलो कॉर्ड जो बाकी है उसके ऊपर अब हम लोग यहाँ पर ये जो हमारी पर्पल वाली कॉर्ड है इस तरीके से इनको हम पाइप कर लेंगे, टाइट तरीके से पाइपिंग कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग बाकी की सभी पर्पल कॉर्ड को इस येलो कलर की कॉर्ड के ऊपर पाइप इन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बाकी की कॉर्ड यहाँ पे पाइप इन कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी येलो कलर की कॉर्ड है अब इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे और पर्पल वाली कॉर्ड को हम लोग यहाँ पे लेंगे, यानी कि सेंटर की हमें सबसे पहले 4 कॉर्ड को ले लेना है। और यहाँ पे 4 कॉर्ड को लेने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिंपल नॉट जो है इस तरीके से एक सिंपल नॉट लगाएंगे
काफी टाइट तरीके से सिंपल नॉट को लगा लेना होगा। अब इस तरफ में जो है नॉट लगाएंगे एक इस तरीके से। अब सेम एज इट इज इस तरफ में नॉट लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस तरफ में भी यहां पर एक नॉट लगा देंगे। इस तरीके से। अब इसके बीच में देखिए यहां पर भी हम एक नॉट लगाएंगे। दो नॉट के बीच में एक नॉट है। इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में भी हम लोग एक नॉट यहां पर जो है लगाएंगे। इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मैंने लिया है 9 नंबर का ये जो हमारा रिंग है, ये मैंने बिग साइज का रिंग ले लिया है क्योंकि हमने यहां पर जो है 9 नंबर का मिरर ले लेना है। तो इस तरीके से यहां पे अब हम लोग पाइपिंग करेंगे और काफी टाइट तरीके से ये हम पाइपिंग करेंगे यहां पर। सो देखिए फ्रेंड्स, एज इट इज यहां पे अब हम लोग जो है जैसे ये पाइपिंग किया है, सभी के सभी सिर्फ पर्पल कलर के कॉर्ड को इस रिंग के ऊपर पाइपिंग करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है बाकी की कॉर्ड्स इस रिंग के अंदर अटैच कर ली हैं। साइड में मैंने कुछ डिजाइन यहाँ पे बना लिया है। सो ये डिजाइन अब हम इस तरफ में बनाएंगे। सो इसके लिए मैंने एक पर्पल कलर का यहाँ पे कॉर्ड ले लिया है। इसका मेजरमेंट यहाँ पे रहेगा 3.5 मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका हम सेंटर निकाल करके और यहाँ पे हम लोग सिंपल नॉट्स को हमें लोगों को लगा लेना होगा। इस तरीके से सिंपल नॉट को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पूरी रिंग को ऐसे डिस्कवर कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरी रिंग कवर कर ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो डिजाइन है हम इस तरफ में बनाएंगे। सो यहां से जो येलो कलर की कॉर्ड थी वो मैंने छोड़ दी थी। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कॉर्ड ले लेंगे और फर्स्ट कॉर्ड को लेने के बाद देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पर तीन की तीनों कॉर्ड को जो है इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पे पाइपिंग कर लेंगे। काफी टाइट तरीके से आपको ये पाइपिंग कर लेना होगा। इस तरीके से इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, ये पाइपिंग हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कॉर्ड अटैच कर लेंगे। सो देखिए, मैंने पर्पल कलर का यहां पे कॉर्ड ले लिया है। ऊपर की तरफ से कॉर्ड को हम यहां पर जो है इस तरीके से अटैच करेंगे। एक तरफ हम यहाँ पे छोटी सी कॉर्ड को रखेंगे और एक तरफ हम लोग यहाँ पे बड़ी कॉर्ड को जो है इस तरीके से लूप के अंदर से हम बड़ी कॉर्ड को निकाल लेंगे, जिससे हम लोगों को यहाँ पर जो है डिजाइन को बना लेना है।
ये आपको काफी यहाँ पे टाइट तरीके से बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक बार कॉर्ड को अंदर की तरफ से निकाल लेंगे, एक बार कॉर्ड को हम लोग यहाँ पर बाहर की तरफ से जो है निकाल लेंगे। और यहाँ पे कॉर्ड आपको एकदम से टाइट तरीके से ये रखनी होगी। और ये जो अंदर बाहर का यहाँ पे डिजाइन हम लोगों को बनाना है, ये हम लोगों को 4 यहाँ पे लूप्स बनानी चाहिए, जिससे कि यहाँ पे ये फ्लावर पैटर्न का हमारा डिजाइन बनेगा। सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है 4 टाइम्स ये डिजाइन को बना लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, ये 4 टाइम्स मैंने डिजाइन बना लिया है, इसको हम थोड़ा सा बेंड करके। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये फर्स्ट कॉर्ड को छोड़ देंगे, उसकी नेक्स्ट की 2 कॉर्ड के अंदर एक बीड्स को फंसाएंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस येलो कलर की कॉर्ड के ऊपर हमारी तीनों येलो कलर की कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। टाइट तरीके से पाइपिंग कर लेनी है कॉर्ड हमें। इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, ये पहला जो लूप है हमारा बन करके कंप्लीट है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये लूप बनने के बाद यहाँ पे हम लोग ये जो हमारी पहली कॉर्ड रहेगी, इसको हम लोग यहाँ पे इस लूप के अंदर से इस तरीके से निकाल लेंगे। ऊपर की तरफ से हम लोगों को ये नीचे की तरफ में निकाल लेना है इस तरीके से। टाइट तरीके से हम लोगों को ये लूप को निकालने के बाद, अब इसके ऊपर हम लोग ये हमारी सारी के सारी कॉर्ड्स को जो है इस तरीके से पाइपिंग करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कॉर्ड हमारी पाइपिंग हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे पर्पल कलर की कॉर्ड के साथ यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। सो एक बार कॉर्ड को हम लोग अंदर की तरफ से निकाल लेंगे और एक बार कॉर्ड को हम लोग यहाँ पर बाहर की तरफ से जो है निकाल लेंगे। और ऐसा हम लोगों को यहाँ पे 8 टाइम्स करना है, जिससे कि यहाँ पे हमारा जो डिजाइन रहेगा वो यहाँ पे 4 टाइम्स बन करके आ जाएगा। सो एक बार कॉर्ड को हम लोग यहाँ पर अंदर से निकाल लेंगे और एक बार कॉर्ड को हम लोग यहाँ पर बाहर की तरफ से निकाल लेंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इस तरीके से बेंड करेंगे और फर्स्ट की 2 कॉर्ड में हम लोग यहाँ पर एक बीड्स को फंसा लेंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सभी तीनों की तीनों येलो कलर की हमारी जो कॉर्ड रहेंगी, उन सभी को हम लोग यहाँ पर इस लूप के अंदर यानी कि येलो कॉर्ड के ऊपर पाइपिंग कर लेंगे। इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, इस लूप को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, देखिए जैसे ये लूप में हहमने फंसाया था, तो यहां से काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3 और 3rd लूप के अंदर से हम इस कॉर्ड को जो है ऊपर की तरफ से कॉर्ड को लेना है और इसको हम लोगों को नीचे की तरफ से निकाल लेना होगा। सो देखिए फ्रेंड्स, इस लूप को मैंने निकाल दिया है इसके अंदर से और अब हम लोगों को यहाँ पे फिर से जो है सभी के सभी कॉर्ड को पाइपिंग जो है इस तरीके से पाइपिंग यहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे आपको एक बात का यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इस लूप को बना रहे हो तो आपको इस लूप को जो है टाइट तरीके से बना लेना होगा, जिससे कि यहाँ पे ये जो बीड्स रहेगा ये अपनी पोजीशन पे यहाँ पे फिट रहेगा, ये लूज नहीं हो पाएगा। सो इस तरीके से देखिए हम लोग यहाँ पर जो है सारी कॉर्ड को इसके ऊपर पाइपिंग कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी कॉर्ड को जो है पाइपिंग कर लिया है। अब ऐसे ही एज इट इज यहाँ पे हम लोगों को पूरी रिंग में जो है हाफ रिंग में जिस तरीके से ये मैंने बनाया है, तो दोनों तरफ बना करके यही पैटर्न यहाँ पे जो है फॉलो करना है और इसी तरीके से नीचे तक बना करके हम लोगों को ये कंप्लीट कर लेना है। ये बात का याद रखना है कि आपको यहाँ पे 1, 2, 3 3 जो है ये लूप को यहाँ पे छोड़ करके
और थर्ड लूप में आपको कॉर्ड को फंसा करके फिर से ये डिजाइन को बना के पूरा कंप्लीट करना है। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरा ये जो है ब्लॉक बना के कंप्लीट किया है। और अगर इन्हीं पैटर्न की बात करूं तो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये पूरे 12 बना के कंप्लीट किए हैं एक तरफ। तो यहाँ पे मैंने 24 डिजाइन बनाए हैं, 12 इस तरफ है और 12 इस तरफ है, तो दोनों बना करके मैंने कंप्लीट किया है। और ये जो मैंने कॉर्ड यहाँ पे अटैच किया था सिंपल नॉट लगा करके, यहाँ पे मैंने इसको फिनिश किया है और यहाँ पे मैंने कॉर्ड को कट करके स्टिक कर दिया है। और यहाँ पे जो कॉर्ड हमने पर्पल कलर की एक्स्ट्रा अटैच की थी इसको भी यहाँ पे कट करके स्टिक कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग मिरर यहाँ पे अटैच करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मिरर किस तरीके से अटैच करना है। देखिए आपको यहाँ पे मैंने जैसे ये मिरर ले लिया है, ये हमारा 9 नंबर का मिरर है जो कि हमने जो है यहाँ पे मैंने रिंग जो है 9 नंबर की ली थी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मिरर भी जो है 9 नंबर का ही यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मिरर को आपको ले लेना है। ये जो हमारी कॉर्ड रहेगी इसके ऊपर मिरर अटैच होगा, बट ये जो रिंग रहेगी ये इसके नीचे आएगा। देखिए ध्यान से, देखिए इस तरीके से रिंग के नीचे से मैंने मिरर को ले लिया है। और रिंग को जो है मिरर को लेने के बाद ये जो कॉर्ड है इसको हमें जो मिरर है इसके नीचे रखना होता है। इसको मैंने यहाँ पे जो पेपर के साथ कवर किया है ताकि रिफ्लेक्शन ना हो पाए और आपको इसको अच्छे से दिख पाइए। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉर्ड हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ये पर्पल कलर की कॉर्ड नीचे की तरफ में होंगी। अब इन पर्पल कलर की कॉर्ड को हम लोग देखिए इस तरीके से 1 बाय 1 करके और इस तरीके से टाइट तरीके से हम लोगों को ये जो कॉर्ड रहेंगी इसको हम लोगों को 1 बाय 1 करके टाइट तरीके से इस तरीके से यहाँ पे पाइपिंग कर लेना है इस तरीके से। एक एक कॉर्ड जो है आपको ध्यान करके यहाँ पे जो है पाइप कर लेनी है इस तरीके से, और काफी टाइट तरीके से ये आपको जो मिरर होगा ये आपको अटैच करना होगा जिससे कि पीछे की तरफ में हमारी कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉर्ड ना बच पाए। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे ये पर्पल कलर की कॉर्ड अटैच की है एज इट इज, अब ये बाकी के जो कॉर्ड है हमारी पर्पल वाली कॉर्ड है, इन सभी की सभी कॉर्ड को हम रिंग के ऊपर अच्छे से अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कॉर्ड को अटैच कर लिया है, मिरर भी यहाँ पे हमारा अटैच हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पर्पल कलर की कॉर्ड के ऊपर हमें डिजाइन बनाना है जैसे हमने ऊपर में बनाया था एज इट इज बनाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने जो है 4 कॉर्ड्स को लिया है। सेंटर की 2 कॉर्ड में हम लोग यहाँ पे एक ग्रीन बीड्स को फंसा लेंगे और ग्रीन बीट्स को फंसाने के बाद देखिए यहाँ पे हम लोग एक नॉट लगा लेंगे इस तरीके से। टाइट तरीके से नॉट आपको यहाँ पे लगा लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम 4 कॉर्ड ले लेंगे और नेक्स्ट 4 कॉर्ड लेने के बाद यहाँ पे हम फिर से जो है एक नॉट लगाएंगे। इस तरीके से दोनों तरफ यहाँ पे नॉट मैंने लगा दिया है। अब 3rd कॉर्ड में भी हम लोग यहाँ पर जो है नॉट को लगा देंगे। इस तरीके से अब देखिए फ्रेंड्स, 3 कॉर्ड में मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 2 कॉर्ड के बीच में यहाँ पे नॉट लगाएंगे। इस तरीके से इस तरफ में भी यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नॉट जो है इस तरीके से लगाया है। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 नॉट के बीच में यहाँ पे हम एक नॉट और लगाएंगे। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरीके से डिजाइन बना लिया है। ये डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो 4 कॉर्ड रहेंगे येलो वाली कॉर्ड उसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक बीड्स को फंसाएंगे और बीड्स को फंसाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक सिंपल नॉट को जो है लगा देंगे ताकि यहाँ पे जो है हमारी कॉर्ड जो रहेंगी ना यहाँ पर इसमें गैप नहीं होगा। इस बीड्स को डालने के बाद ये अच्छे से इक्वल यहाँ पर डिस्टेंस में आएंगी कॉर्ड्स इस तरीके से।
अब देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है एक येलो कलर की कॉर्ड ले लेंगे और उसके ऊपर यहाँ पे ये जो हमारी पर्पल कलर की कॉर्ड है, इन सभी के सभी कॉर्ड को हम लोग यहाँ पर कुछ इतने टाइट तरीके से यहाँ पे पाइपिंग कर लेंगे। यह हमें बहुत टाइट तरीके से पाइपिंग करना होगा। इस तरीके से अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो पर्पल कलर की कॉर्ड है इनके ऊपर हम लोग दो येलो कलर की कॉर्ड्स को इस तरीके से जो है पाइप करेंगे ये वाला डिजाइन बनाने के लिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिजाइन बनाया था, अब हमें एज इट इज यहां पर जो है इस डिजाइन को यहां पे रिपीट कर लेना है। सो देखिए फ्रेंड्स, एक एक पर्पल कलर की कॉर्ड लेते जाएंगे और उनके ऊपर यहाँ पे दो येलो कलर की जो हमारी कॉर्ड्स रहेंगी, इस तरीके से उनको इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग जो है पाइपिंग करते जाएंगे इस तरीके से। सो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग जो है ये येलो कलर की कॉर्ड है पर्पल कलर की कॉर्ड के ऊपर पाइप कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक येलो कलर की कॉर्ड हमारी बची हुई है, सो उसके ऊपर यहाँ पे हम पर्पल वाली कॉर्ड्स को पाइप करेंगे। यानी कि एक येलो कलर की कॉर्ड जो रहेगी हमें उसके ऊपर यहाँ पे ये हमारी पर्पल वाली सभी की सभी कॉर्ड्स को पाइपिंग कर लेना होगा। इस तरीके से अब देखिए फ्रेंड्स, ये पर्पल वाली कॉर्ड यहाँ पे पाइपिंग हो चुकी है और यहाँ पे हमारी येलो कलर की कॉर्ड जो है एक साथ आ चुकी है। सब हम यहाँ पर एक सिंपल नॉट जो है लगा देंगे। इस तरीके से सो देखिए फ्रेंड्स, ये सेंटर में हमारी जो है आ चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो है यहाँ पे बेरी शेप का डिजाइन बनाएंगे हम लोग, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था। सो अब वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे जो है रिपीट कर लेना है एज इट इज। सबसे पहले फोर यहाँ पे हम लोग सिंपल नॉट को जो है लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने फोर नॉट यहाँ पे जो है लगा दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मिडिल वाली कॉर्ड को हम लोग यहाँ पर जो है इस तरीके से इसके अंदर से निकाल लेंगे। ये ज्यादा गैप है तो इसके अंदर से ये आसानी से हमारी निकल जाएगी इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने निकाल लिया है। इसको नीचे हम लोग एक सिंपल नॉट लगा करके इसको हम अच्छे से सिक्योर कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके साइड में हम लोगों को यहाँ पे दो बैरिकेड डिजाइन बना के और बीच में एक बना के फोर यहाँ पे बना के कंप्लीट करना है। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरीके से डिजाइन बना के कंप्लीट कर लिया है और इस तरफ में मैंने डिजाइन बनाया है जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था, तो एज इट इज बनाना है। अब इस तरफ में बनाएंगे हम लोग। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक येलो कलर की कॉर्ड लेंगे और ये हमारी जो पहली दो कॉर्ड रहेंगी उसको हम जो है इसी तरीके से बिना डिजाइन बनाए इसी तरीके से यहाँ पे पाइपिंग कर देंगे। फर्स्ट की दो कॉर्ड सिर्फ आपको याद रखना है कि पहली दो कॉर्ड ही हम लोगों को इस तरीके से जो है पाइपिंग कर लेना होगा। टाइट तरीके से एकदम से टाइट पाइपिंग कर लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड ले लेंगे और इस पे हम लोगों को डिजाइन पे यानी कि वर्क करना है। सो एक बार कॉर्ड को आपको अंदर से निकालना है, एक बार कॉर्ड को बाहर की तरफ से निकाल लेना है और ऐसा हम लोगों को 10 बार करना है, जिससे कि यहाँ पे जो है हमारी 5 टाइम्स यहाँ पे लूप जो है बन करके आ जाएगी। तो इसी तरीके से देखिए, एक बार कॉर्ड को अंदर से निकाल लेंगे, एक बार कॉर्ड को हम लोग यहाँ पर बाहर की तरफ से निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है मैंने बना लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, येलो कलर की कॉर्ड के ऊपर हम लोग ये जो है जो डिजाइन हमने अभी बनाया है उसको हम लोग यहाँ पे पाइपिंग कर लेंगे इस तरीके से।
अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो है ब्लॉक यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए ये जो ये वाली कॉर्ड है इसको हम लोग इस दूसरी कॉर्ड के ऊपर इस तरीके से करेंगे, फिर दूसरी कॉर्ड को हम फर्स्ट कॉर्ड के ऊपर कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये जो है 16 टाइम्स बना लिया है। अब इसको देखिए, यहाँ पे हम लोग जो हमारी पहली येलो कलर की कॉर्ड थी उसके ऊपर हम लोग इसको भी एज इट इज यहाँ पे पाइप इन कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया है तो अब इसी डिजाइन को हम लोग यहाँ पर रिपीट कर देंगे। अब ये जो है एक येलो कलर की कॉर्ड जो रहेगी यानी कि पर्पल कॉर्ड, इसको हम लोग यहाँ पर जो हमारी येलो वाली कॉर्ड रहेंगी इसको हम इस तरीके से यहाँ पे इस पर्पल कलर की कॉर्ड्स के ऊपर पाइपिंग करते हुए इस डिजाइन को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पाइपिंग कर लिया है और ये पर्पल कलर की कॉर्ड के ऊपर हमने यहाँ पे सभी कॉर्ड्स को पाइप करके कंप्लीट किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो है सिंपल नॉट्स लगा लेंगे। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेंटर में से 4 कॉर्ड ले लेंगे, 2 हम लोग लेफ्ट की तरफ से और 2 हम यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ से कॉर्ड को लेते हुए यहाँ पे 4 कॉर्ड बना के यहाँ पे सिंपल नॉट लगाएंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सिंपल नॉट मैंने सेंटर में लगा दिया है। अब देखिए इस तरफ में हम लोग एक सिंपल नॉट लगा लेंगे। इस तरीके से अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम सेम एज इट इज अब इस तरफ में भी जैसे इस तरफ में नॉट है हम इस तरफ में भी लगा लेंगे। इस तरीके से अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है 2 नॉट लगा दिया है। अब हम यहाँ पे लास्ट वाली लाइन जो है थर्ड लाइन जो है नॉट की हम यहाँ पे सेम एज इट इज देखिए इसी तरीके से नॉट्स को यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 नॉट के बीच में यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे। इस तरीके से अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एक इस तरफ में नॉट हम यहाँ पे लगा लेंगे। इस तरीके से अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सेंटर में नॉट लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो येलो कलर की हमारी कॉर्ड है, अब यहाँ पर भी हम एक नॉट लगाएंगे जिससे कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारी नॉट्स रहेंगी ये एक इक्वल यहाँ पे डिस्टेंस में आ जाएंगी जैसे कि इस तरफ में। सो इस तरफ में भी हम लोग एक नॉट लगा करके यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉट लग गया है। मैंने एक 4 नंबर का रिंग ले लिया है। 4 नंबर का रिंग लेने के बाद देखिए इस तरीके से हम लोग जो रिंग है इसके ऊपर यहाँ पे सभी कॉर्ड को इस तरीके से जो है पाइपिंग करेंगे जिससे कि यहाँ पे हमारी रिंग जो रहेगी वो यहाँ पर अटैच हो जाएगी। काफी टाइट तरीके से आपको ये पाइपिंग जो है हमें कर लेना होगा जिससे कि जो रिंग रहेगी हमारी वो यहाँ पे एकदम से टाइट तरीके से यहाँ पे अटैच हो जाएगी। सो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे मैंने जो है ये हमारी जो कॉर्ड है इनको पाइप किया है रिंग के अंदर एज इट इज, अब सभी कॉर्ड को हम यहाँ पे जो है पाइपिंग कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, 4 नंबर की रिंग यहाँ पे अटैच हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम लोग कॉर्ड अटैच कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पे देखिए मस्टर्ड येलो कलर की कॉर्ड ली है और देखिए इसको मैंने नीचे की तरफ से कॉर्ड को अटैच किया है। एक बार हम इसको सबसे पहले लेफ्ट की तरफ से जो है इसके अंदर से निकालेंगे और एक बार कॉर्ड को हम लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ से निकाल लेंगे। ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है ये प्रोसीजर करने से हमारी कॉर्ड भी कम लगती है और स्पेस जो होती है वो हमारी कवर हो जाती है। सो नीचे की तरफ से कॉर्ड लेना है, एक बार कॉर्ड को लेफ्ट की तरफ से निकाल देना है और एक बार कॉर्ड को हम लोग यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड की तरफ से निकाल लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने कॉर्ड अटैच किया है। इसी तरीके से पूरी रिंग में हम लोग कॉर्ड जो है ऐसे ही अटैच करके कंप्लीट करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है कॉर्ड अटैच कर लिए हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 12 कॉर्ड अटैच किए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग डिजाइन बनाएंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम जो है इस तरीके से 2 कॉर्ड ले लेंगे और इसके अंदर एक बीड्स को डाल देंगे 2 मिडिल वाली कॉर्ड में
और इसके बाद देखिए इसकी साइड वाली दो एक एक कॉर्ड दोनों तरफ से लेकर के और यहाँ पे जो है सिंपल नॉट्स हम लोग इस तरीके से लगा देंगे। और यहाँ पे मैं टू टाइम्स यानी कि दो बार सिंपल नॉट लगानी है बीट्स डालने के बाद कुछ इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स उसके आगे वाली कॉर्ड मैंने यहाँ पे ले ली है और यहाँ पर भी हमें सेम एज इट इज जो है ये पूरा का पूरा जो डिजाइन रहेगा इस तरीके से जो है दो नॉट हम आगे लगा देंगे। सो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन हमारी रहेगी इसी तरीके से हम लोग पूरी रिंग में इसी तरीके से बना करके यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट लाइन बनने के बाद हम लोगों को अब सेकंड लाइन बनाना है। सो सेकंड लाइन बनाने के लिए सेम प्रोसीजर रहेगा, जैसे कि ये दो हमारी नॉट थी, अब इसके बीच में हम लोग जो है इस तरीके से बीट्स को डाल देंगे और बीट्स को डालने के बाद यहाँ पे हम लोग फिर से जो है ऐसे ही दो बार सिंपल नॉट जो रहेगा वो लगा देंगे। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को इसी तरीके से जो है बना करके पूरी एक बास्केट जो रहेगी हाइट तक बना करके पूरा कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो है 1, 2, 3, 4 लाइन बना के कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग हमारी बास्केट बन के कंप्लीट, अब हम इसको यहाँ पे नीचे से पैक कर देंगे। मैंने यहाँ पे एक पर्पल कलर का एक्स्ट्रा कॉर्ड ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये सभी के सभी कॉर्ड के नीचे से हम लोगों को ये पर्पल कलर की कॉर्ड को लेना है और इस तरीके से देखिए लेने के बाद यहाँ पे हम लोग सिंपल नॉट जो है यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से टाइट तरीके से सिंपल नॉट हम लोगों को लगा देना होगा कुछ इस तरीके से, काफी टाइट तरीके से लगाएंगे हम लोग यहाँ पर सिंपल नॉट। इस तरीके से अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिंपल नॉट जो है लगा दिया है। अब हम यहाँ पर जो है इस तरीके से कैंची की हेल्प से इस कॉर्ड को कट करेंगे यहीं पर। कट करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसी को जो है लाइटर की हेल्प से यहीं पर मेल्ट करके स्टिक कर देंगे और इस तरफ वाली कॉर्ड को हम लोग यहीं पर इस तरीके से मेल्ट करेंगे और यहाँ पे स्टिक कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस तरीके से एक एक कॉर्ड को यहाँ पे हम लोग खींचते जाएंगे इस तरीके से। इसी तरीके से जिससे कि ये एक डिस्टेंस पर आएंगी, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सभी कॉर्ड को खींच लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसी तरीके से इसको जो है अच्छे से कॉर्ड को खींच लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा बास्केट बना है। अब कुछ मैंने यहाँ पे ग्रीन बेल्स को ले लिया है तो कॉर्ड के अंदर हम लोग इसको लगा देंगे। तो दो कॉर्ड आपको यहाँ पे ले लेना है, एक किसी भी एक कॉर्ड में बेल्स को फंसाना है और इस तरीके से लाइटर की हेल्प से कॉर्ड को अच्छे से मेल्ट करते हुए यहाँ पे हम लोगों को कॉर्ड को अच्छे से स्टिक कर देना है कुछ इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे लिया है सेकेंड कॉर्ड, तो किसी भी एक कॉर्ड के अंदर आपको बेल्स को यहाँ पे फंसाना है और इस तरीके से यहाँ पे हम लोग लाइटर की हेल्प से कॉर्ड को जो है अच्छे से मेल्ट कर देंगे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पर सभी कॉर्ड में इसी तरीके से बेल्स लगा करके कंप्लीट कर लेना है।